हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी बैंक निफ्टी की नई एनालिसिस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कल फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकता है और क्या कुछ कल के लिए हमारे इंपोर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो उससे पहले देखते हैं कि जो बैंक निफ्टी ने आज पूरे दिन में क्या मूवमेंट किया है और कैसे प्राइस एक्शन में यहाँ पे हमें काम करके दिया है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी आज यहाँ पे गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के साथ यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाता है और वापिस से जो ये कल का जो ये कंसोलिडेशन जोन था इसके नीचे आके यहाँ पे क्लोज कर देता है उस कैंडल को। फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी अपसाइड में जाता है और जो एक रेंज होती है कहीं पर भी रेंज बनती है तो वो रेंज बनने के बाद उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो उसके बाद जो वो रेंज होती है वो एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। तो यहाँ पे मार्केट नीचे आती है बैंक निफ्टी, फिर वापस अपसाइड में जाता है, फिर उस जो ये रेंज हमारी बनी थी उसी से रेजिस्टेंस लेके वापस से यहाँ पे हमें बेयरिश सिग्नल देता है और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे गिरता हुआ चला जाता है। और जो कि हमारी जो मैं आपको बहुत दिनों से बोलता आ रहा था कि बैंक निफ्टी में मूवमेंट हमें मिलेगी 43,700 के नीचे क्लोजिंग देने के बाद ही हमें यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी आता है 43,700 के नीचे, यहाँ पे देखो सस्टेन करता है, कंटिन्यू रेंज बनाता है, फिर यहाँ पे एक फिर से उसके बाद देख सकते हैं एक बड़ी बड़ी यहाँ पे दो तीन कैंडल यहाँ पे आपको बनती हुई दिख रही होंगी। फिर से बैंक निफ्टी एक सार्प फॉल यहाँ पे डाउनफॉल में दिखाता है और आज की जो हमारी डेली क्लोजिंग देखने को मिली है 43,450 के आसपास की हमें डेली क्लोजिंग देखने को मिल रही है। मींस अभी जो बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट अभी जो चोपीनेस बैंक निफ्टी के अंदर बनी हुई थी अभी वह चोपीनेस दूर हो चुकी है। अभी बैंक निफ्टी एक अच्छे मूव के लिए रेडी है। तो चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर अब हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी कल यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, इसी रेंज के अंदर फ्लैट ओपन होता है और एक 5 मिनट की कैंडल इसके अंदर क्लोज करने के बाद आज के लो को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे हमें 100 से 120 पॉइंट का एक मूवमेंट डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी डायरेक्टली यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है 200 से 250 पॉइंट यहाँ पे डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाता है, इसी रेंज के आसपास यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी कंटिन्यू यहाँ पे फॉल होते हुए आ जाया है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो यहाँ पे हमें कोई पहली कैंडल या कोई दूसरी कैंडल में हैमर दिखाई देता है या कोई एंगल्फिंग कैंडल दिखाई देती है तो हम उसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के उसके हाई पर अपनी एंट्री बना सकते हैं और उसके अंदर हमारा 80 से 100 पॉइंट का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अभी देखना होगा कि बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है, अगर बैंक निफ्टी डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाता है 43,700 की रेंज के आसपास, बहुत दिनों से इसी रेंज के बार बार इसके नीचे क्लोज करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी यहाँ पे बैंक निफ्टी को हो रही थी तो यहाँ पे अभी एक रेजिस्टेंस की तरह एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है 43,700 के आसपास तो यहाँ पे हमें कोई पहली कैंडल अगर कोई शूटिंग स्टार कैंडल दिखाई देती है या कोई एनगल्फिंग कैंडल हमें दिखाई देती है तो उसी कैंडल के लो पर अपनी एंट्री बनाएंगे और उसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के उसके अंदर अपनी ट्रेड के अंदर एंट्री बना सकते हैं और उसके अंदर हमें आराम से 100 से 120 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अभी अपसाइड के मूवमेंट हम तभी देखेंगे अगर बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे इसी रेंज के अंदर फ्लैट ओपन होने के बाद 1 से 2 घंटा यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे 43,550 का जो लेवल है जो कि ये हमारा ये लेवल है इसको अपसाइड में निकालता है तो हमें यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 100 से 120 पॉइंट का मूवमेंट अपसाइड में देखने को मिल सकता है या फिर अगर गैप अप ओपन होता है इसी के आसपास इसी रेंज के आसपास और यहाँ पर आके रेंज बनाता है और उस रेंज को अपसाइड में ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे उसको अपसाइड की मूवमेंट को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ जो पॉइंट्स मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाने की कोशिश की है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।